नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 9th का मैथ का लेसन 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। करण निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखिए। ठीक है, तो पहला को हम हल करेंगे। दिया हुआ 2x + y = 7। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले ना जब x = 0, एक्स बराबर जीरो हम रखेंगे तो 2 का 2 x का वैल्यू हमारा निकलेगा 0, थोड़े 0 बैठेंगे, प्लस y का y = 7। 2 × 0 × 0 आएगा, प्लस y का y = कितना आ जाएगा, 7। 0 का वैल्यू नहीं आता इसलिए y बराबर निकलेगा कितना, 7। यानी कि हमारा इसका जो आंसर निकला (1y = 7), और फिर एक्स बराबर फिर हम लेंगे 1, 1 जब लेंगे तो 2 × x + y = 7। 2 को 2 x के बदले 1 + y = 7, यानी कि 2 के 2 + y = 7 इसका निकलेगा, इसलिए y = 7 / 2 = 5। ठीक है, 1 हमारा निकला 0 से, 1 निकला 1 से, तो इसे लिखेंगे x = 2। एक्स बार जब 2 लेंगे तो 2x + y = 7, इसमें मान बैठाएंगे हम 2 के 2 × x के बदले 2 + 1 y = 7, 2 × 4 + y = 7, इसलिए y बराबर हमारा निकलेगा यहाँ 7, इधर से -4 तो कितना निकलेगा, 3। 1 हुआ हमारा 2 हुआ 3 हुआ, अब लिखेंगे x = 3। x = 3 जब हम लिखेंगे तो आएगा हमारा ये समीकरण 2x + y = 7, 2 के 2 × x के बदले 3 + y = 7, 2 × 6 + y = 7, इसलिए y = 7, इधर से (+-6) = 1। यानी कि हमारा चार जो इसमें आंसर हुए क्या क्या हुआ, 1 में हमारा निकले यहाँ 0 0, तो मान कितना निकला, 7, यानी कि 0 7। फिर जब हम 1 लिए इसका मान कितना निकला, 5, तो 1 और 5। फिर जब हम 2 लिए इसका वैल्यू कितना निकला, 3, तो 3 हुआ। फिर जब हम 3 लिए इसका वैल्यू कितना निकला, 1, यानी कि ये हमारा हुआ चारों का चारों आंसर। चलिए इसको पहले 20 सॉल्व कर लेते हैं। कर π(x + y) = 9। चलिए इसमें भी सबसे पहले लेंगे जब हम x बराबर जब जीरो लेंगे तो π के π x के बदले 0, +y = 9। π × 0 = 0 आएगा, इसलिए y = 9, इसलिए y = इसका वैल्यू निकलेगा y = 9, इधर से जाएगा -0, यानी कितना आएगा, 9। दूसरा लिखेंगे x = 1, x का 1 जब लेंगे तो πx + y = 9, पाई क्या रहेगा हमारा, πx के बदले 1 + y = 9, 1 × π करें तो पाई आएगा, π + y = 9, इसलिए y = हो जाएगा 9 - π। एक हमारा यहाँ निकला, दूसरा निकला। अब हम लेंगे x = 2, x = जब 2 लेते हैं तो πx + y = 9, π का π x का वैल्यू 2, 2 होगा +y = 9, 2 × π करें 2π आएगा, +y = 9, इसलिए y = हो जाएगा 9 - 2π। ठीक, अब x = लेंगे हम 3, x = जब 3 लेंगे तो π × 3 + y = 9, 3 × π = 3π + y = 9, इसलिए y = 9 - 3π।
यानी कि हमारा जो आंसर निकलेगा एक में जब लिए हैं तो जीरो और हमारा क्या निकला है नौ, दूसरा में क्या यदि एक लिए हैं तो हमारा क्या निकला है नौ माइनस पाए, तीसरा हमारा क्या जब दो लिए हैं तो इसका वैल्यू क्या निकला है नौ माइनस दो पाए, फिर चौथा में यदि हम तीन लिए हैं इसका वैल्यू क्या निकला है नौ माइनस थ्री पाए, ये हमारा होगा आंसर। थैंक यू।